Whatever you do is really, really amazing, and we are really grateful to you. Tripti, आप कभी फेस करते हैं कुछ तो कैसे रिएक्ट करते हैं? अब कुछ बुरा कैसे बोलेगी? हैं? मेरे पास आंसर है. जी देखिए, मैंने तो अभी अपने करियर की शुरुआत ही करी है एक तरीके से, एंड अभी तक आई हैव ओनली फेल्ट सपोर्टेड फ्रॉम मीडिया, एंड आप लोगों के ही थ्रू हम जो भी हैं, आप लोगों की ही वजह से हैं. तो यू नो, आई कैन नेवर एवर एवर हैव अ प्रॉब्लम. आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद एनीथिंग. तो या बस अपनी तरफ से गुड न्यूज़ मत देना, मुझे देने देना. हाय, हेलो, मयूर हियर फ्रॉम बियॉन्ड बॉलीवुड सेंटर. माय क्वेश्चन इज फॉर तृप्ति. आई कैन सी. या तृप्ति, ऑब्वियसली यू बीन सच अ फैबुलस एक्टर्स इन द लास्ट फ्यू इयर्स, आई एडमायर यू अ लॉट. और एक मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि जब हमारी कोई फिल्में इंडियन फिल्म में, खासकर बॉलीवुड या साउथ की हो, जब वो एक ब्लॉकबस्टर होती है, तो उसके अंदर जो हीरो है उसके लिए हम कहते हैं कि व्हाट अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इसे नेशनल अवार्ड मिलना चाहिए. उसी फिल्म में जो अभिनेत्री होती है उसके लिए लेकिन हम कहते हैं उसे एक नेशनल क्रश का खिताब दे देते हैं, उसकी अभिनय के बारे में इतनी बात नहीं करते. इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरे एक्सपीरियंस में लकीली मैं अपने गॉड को थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में उल्टा ही हुआ है. जितनी भी मैंने टचवुड फिल्में की है, चाहे वो मेरी पुरानी फिल्में हों, चाहे वो जो अभी जो मेरी फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं वो हो, काफ़ी ऑडियंसेस से प्यार मिला है और काफ़ी लोगों से भी प्यार मिला है. लोगों ने काम की बात की है. मुझे शुरू में यही लगता था कि जब मैं कभी भी एक्ट्रेस बनूँ ना, तो लोग मेरे सिर्फ काम की बात करें और किसी चीज़ के बारे में बात ना करें. और लकीली आज तक जब भी फिल्म्स रिलीज़ हुई हैं, लोगों ने काम के बारे में बात की है, और ये चीज़ आई थिंक मोटिवेट करती है हमको भी एज एक्टर्स टू डू बेटर इन लाइफ एंड टू यू नो कीप वर्किंग ऑन आर क्राफ्ट. एंड आई थिंक दैट वेज आई बीन वेरी फॉर्चुनेट. तो मैं बस यही कहना चाहूँगी. हेलो, हाय, दिस साइड. हेलो एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस ऑन द ट्रेलर, वेरी एंटरटेनिंग. आजकल हर ऑलमोस्ट सारा कॉन्टेंट बहुत सेमी सीरियस है, तो इट वॉज वेरी लाइक लवली टू सी समथिंग सो लाइट कमिंग. माई क्वेश्चन इज फॉर अमृत. वी गॉट टू नो दैट, हम तो यहाँ पे बैड न्यूज़ के लिए हैं, बट वी गॉट टू नो दैट आपकी लाइफ में एक गुड न्यूज़ आने वाली है, एंड यू आर गेटिंग मैरिड दिस ईयर, इफ आई एम राइट. Also with someone who has a celebrity status, like someone very famous. So if you can tell us the good news. Yeah, some actress. You're marrying an actress? Amrit. Sir, ये किसने करवाया आपसे? आप मिलिए मुझे थोड़ा बाहर, फिर हम बात करेंगे good news और bad news के बारे. ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा है. Thank you. खुद यकीन नहीं हो रहा है. But still, all the best for the film. The trailer looks lovely, guys. Thank you for liking the trailer. Thank you so much. Hello. Hi. Here, left. Hi, this is Pallavi from Pop Diaries. And the trailer is fab. The chemistry is fab. And I love the bromance also that's there between Vicky and Avi. So congratulations for this amazing trailer. And my question is to Manish, sir. The comedy genre is loved by the Indian audience right now. But what do you think? How will they react to this unique story? Because we have not seen this any time before, you know? Like, how do you think? So I think comedies have been loved and endeared for generations, right? Like, wo nahi baat kuch hai nahi. But jo ye bol rahe hain ki inhone maza kiya, masti ki, aur usme ek film ban gayi, wo bolne ki baat hai, usme bahut mehnat gayi hai. It is one of the hardest genres to make, but when it's done right, you know, उसमें आपने देखा उसमें scripting अच्छी है, उनकी timing अच्छी है, उनकी direction कैसी है, music की timing कितनी अच्छी है, then the product turns out to be something that everybody loves. And I think the reaction today has been the one answer that we were all looking for, and it couldn't have been better than what you all have shown us today. So thank you, all of you, for showing us what this has turned out to be. That's all I can say about this comedy. So please, you know, give it up for yourselves. Thank you. Hi, this is on your left, Vicky sir. Yeah, Sohil from Ancient Bollywood. Karan, Anand, Vicky, Tripti, Ami, and the entire dignitaries, all the very best. The trailer is amazing. I can say let's 10 out of 10. Like, you know, thank us you. Tarah, seriously, seriously. Bought you. वक्त के बाद मतलब इतना अच्छा trailer देखा, और hopefully the film will be also that good. पूछना था कि इसमें है कि दो बाप होते, तो साइंटिफिकली दिस हैज मतलब इस तरह से कोई
कभी इंस्टेंस हुआ है लेकिन वेयर डिड दिस थिंग कम फ्रॉम और जस्ट योर इमेजिनेशन? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भगवान का शायद इमेजिनेशन है, ये हमारा इमेजिनेशन बिल्कुल नहीं है. इसके पीछे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा आर्टिकल आया था जो सोमेन को मिला था इनफैक्ट कुछ साल पहले, और उस पर फिर राइटिंग हुई, उसका एक काल्पनिक रूप हुआ. पर ये बिल्कुल साइंस पे बेस्ड है. इसको कहते हैं, आप मेरे बाद रिपीट करेंगे, आप सब एक बार रिपीट करेंगे मेरे बाद, मुश्किल है. हाँ, हेट्रोपैटर्नल सुपरफिकेंडेशन. बोलिए, हेट्रोपैटर्नल सुपरफिशियल. हाँ बस बस यही मैं चाहता हूँ कि अच्छा पिक्चर देखने के बाद आप इसे इसे रिपीट कर पाएं. तो बिल्कुल बेस्ड ऑन साइंस एक फिनोमिनन है जिसके बारे में हमने फिर इसको एक कॉमेडी फिल्म बनाई जो मसालेदार है, क्योंकि हम बॉलीवुड के बच्चे हैं तो हमको मसालेदार फिल्में पसंद हैं देखना, तो बनाई भी हमने एकदम मसालेदार फिल्म है. तो विकी, आपका रिएक्शन कैसा था जब ये इस तरह की एक कहानी आई? और एक बात पूछनी थी कि कभी लाइफ में किसी, मतलब दो लड़की ने या उससे ज्यादा कभी एक साथ कभी आई लव यू किसी ने कहा था आपसे? इवन फॉर ऑल दिस पता नहीं, आई लव यू से ठीक है, लव यू तक ठीक सी. सो जो पहला सवाल था, मेरा पहला रिएक्शन भी यही था कि मैंने कहा ये सच में होता है या ऐसा हुआ है या ये काल्पनिक है. तो जो आपका सवाल था वो मेरा पहला रिएक्शन था जब मैंने फिल्म सुनी. और दूसरा ये देखो, इतना अच्छा नसीब नहीं रहा है कि दो लड़कियां साथ में, पर एक ही ने बोला है और जब बोला है तो फिर करण कभी आपको कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है? दो लड़कियां ने कभी नहीं कहा है. I would like to ask Tripti and even Hamidji ko. Usko bhi mujhe nahi lagta to ladkiyon ne kaha. Ladkiyon ko to bahut sare log bol dete hoge aaj ki. Nahi nahi kabhi bhi nahi. Abhi tak to nahi kaha, aage agar hua to zarur batayenge. Still to nahi. Acha, what was your reaction when you know that poster, khas karke jo Katrina ka jab tha wo wala, aapko anand ne वो वाला थोड़ा कुछ उसके बारे में? मैंने एक्चुअली कटरीना ने ट्रेलर देखा नहीं था, अभी आपने जब देखा तो अब देख लिया होगा, मेरे पास फोन नहीं है अब, पर मैंने उसे सिर्फ यही हिंट दिया था कि तुम भी हो ट्रेलर में. तो वो बड़ी कंफ्यूज थी कि मैं कैसे हूँ ट्रेलर में. तो अभी मैं उनसे भी रिव्यू लूंगा कि कैसा लगा ट्रेलर. माय क्वेश्चन इज टू आनंद एंड विक्की. There are so many meta jokes in the trailer. Like, who came up with it? And what was Vicky? What was your first reaction to it? Who came up? Anand and Tarun. Hi, Tarun, the writer. Yeah. And this is literally, ये जो आप meta का आप बात कर रही हैं, वो trailer ही है. जितने फिल्में हैं, वो आपको और भी मजा आएगा if you are, you know, if you really liked it. दूसरा सवाल क्या था? एक ही था. एक ही था. हाँ, बस ये तो आनंद. My next question is to Karan sir. Oh, sorry, Anand sir, yes, please. No, बस बस, विकी ने हमारी तारीफ कर दी, हमें और क्या चाहिए. Thank you so much, विकी. Karan sir, I want to ask this from most millennials. There are so many re-releases happening. Do we expect like a K3G or any of your movies re-releasing? Oh, wow, please. Please, Karan, let's please. Do this. Actually, you know, I was very excited with the films coming back. I was so happy. That जब रॉकस्टार रिलीज हुई और इतना सारा प्यार फिर से मिला इंस्टाग्राम पे रील्स में, यू नो, रोज मैं देखता था लोग जो कल्ट फिल्म थी रॉकस्टार और उसको इतनी प्यार और मोहब्बत मिल रही थी. एंड आई फील कि ये जो फिनोमेना शुरू हुआ है ऑफ रिलीजिंग फिल्म्स अगेन, इट्स फैंटास्टिक, बिकॉज आई थिंक एक पूरा जो है जनरेशन बड़ा हुआ है ऑन सर्टन फिल्म्स. एंड जैसे अमृत भी बहुत बड़े हुए हैं उस फिल्म पे, तो उन फिल्मों पे, आई मीन ही इज ग्रोन अप वॉचिंग दोज फिल्म्स. जस्ट लाइक दैट देयर आर सो मेनी पीपल हु हैव लव्ड यू नो फिल्म्स ऑफ द 80s, 90s एंड अर्ली 2000s. एंड आई फील कि जब K3G के 25 साल होंगे, जो आई थिंक दो साल में हो जाएंगे, आई फील तब आई थिंक वी शुड री रिलीज द फिल्म. एंड आई हैवंट सीन द फिल्म माई सेल्फ. आई थिंक मैं अपनी फिल्में सिर्फ एक बार प्रॉपरली देखता हूँ जब यू नो रेडी हो जाती है, उसके बाद मैं नहीं देखता. तो मैंने देखी नहीं ये पिक्चर. आई हैवन सीन द फिल्म इन 23 years. मुझे पता ही नहीं. और मैं रील्स पे आते हैं तो कभी कभी वो डायलॉग्स या सीन्स आ जाते हैं तो देख लेता हूँ. बट येस, टू आंसर योर क्वेश्चन, आई वुड लाइक टू डू इट वेन देर अ मोमेंटस माइलस्टोन. एंड आई होप दैट एवरीबडी एल्स, जिसकी भी स्पेशल फिल्में हैं, जैसे जोया अख्तर का रेट्रोस्पेक्ट था और अभी रॉकस्टार का हुआ है, ऐसा होना चाहिए. बिकॉज वी शुड कॉन्स्टेंटली रिमाइंड एवरीबडी दैट हिंदी सिनेमा रॉक्स. हेलो हेलो एमी जी, यहाँ पे एमी जी, दिस इज विशाल हियर फ्रॉम बजुका. मेरा सवाल आपसे है, आप पहली बार
धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम करो, किस तरह का एक्सपीरियंस था और सबसे खास बात क्या थी धर्मा प्रोडक्शन की? सर मतलब हर बंदे का ड्रीम होता है सर धर्मा के साथ काम करना. मैं तो आज भी वहाँ पे चाय पी रहा था, कप की फोटो डाल दी, मैं कहा मेरे दोस्त देखेंगे धर्मा के ऑफिस में बैठा हुआ. मैंने सर मतलब पूरा सर चाय चढ़ा हुआ है, मतलब ऐसे बोलो आप, पूरी खुशी है सर, मतलब ड्रीम कम ट्रू वाला काम है सर. और आगे आने वाले समय में और भी रंग बिरंगी फिल्में बनाएंगे, आपको अच्छी लगेंगी. और जनरली मेरे को बहुत अच्छा लगा और सच में बहुत अच्छी टीम मिली है, करण सर, धर्मा की पूरी टीम, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं मतलब अनंत सर, विक्की विक्की पाजी, तृप्ति, मतलब वन ऑफ द बेस्ट. इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए एज एन मतलब मैं मतलब नॉर्थ से आया हूँ, पंजाब से आया हूँ, और यहाँ पे आके ऐसी फिल्म में काम करना. मेरे बाद भी आएंगे, मेरे पहले दिलजीत पाजी आए हैं, उनके लिए मैं बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सत्कार, उनकी वजह से हमें इतना अच्छा काम मिलने लगा है. हमने मतलब जो स्टीरियोटिपिकल मसले हैं वो ख़त्म हो रहे हैं और इसके बाद हमें मौका मिल रहा है अच्छा काम करने का, और हम अपने लोगों को भी प्राउड फील कराएंगे और आप लोगों को भी अच्छा एंटरटेन करेंगे, आने वाले समय में भी अच्छा काम करेंगे. विकी जी, मेरा सवाल आपसे है, यहाँ पे विशाल अंबानी यहाँ से. सर कल 11 बजे या तो पूरा भारत को गुड न्यूज़ मिलेगी या फिर बैड न्यूज़ मिलेगी बारबाडोस से. कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबला है, सो आपकी क्या ब्लेसिंग्स रहेगी इंडिया को? ये देखिए इंडिया, गो इंडिया यार, हम तो चीयर करेंगे जितना हमें जितनी ताकत होगी. एंड वी आर सुप्रीमली कॉन्फिडेंट विद द फॉर्म दे आर इन, और जैसे खेल रहे हैं इतना मज़ा आ रहा है. आज सुबह भी शूट थी, कल रात को देर तक हो गया था क्योंकि बारिश हो गई थी, पर जो बॉलिंग की है आय हाय मजा ही आ गया. मतलब दे आर इन टॉप फॉर्म और सच में देख के इतनी खुशी मिल रही है पूरे देश को. सो वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दैट इट्स गोना बी इंडिया. अक्सर अक्सर